और इसका जी सर, ये हमने अब जो हमारा ऑपरेशन चल रहा है अजब उसके नाम से, इसको अजब का नाम दिया है। बेसिकली DMR वो वेपन होता है जो कि असॉल्ट राइफल और स्नाइपर राइफल के गैप को फिल करता है। असॉल्ट राइफल मोस्टली मैक्सिमम 400 मीटर्स तक जाती हैं और स्नाइपर राइफल की जो रेंज होती है वो 800 और 1000 मीटर्स तक होती है। तो क्योंकि एक इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक आर्मी के लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो एक स्नाइपर शूटर को ट्रेन करे, उसके लिए रिसोर्सेज बहुत चाहिए होते हैं, तो उस गैप को फिल करने के लिए एक इंटरनेशनल ट्रेंड है जिसमें DMR राइफल्स इंट्रोड्यूस की जाती हैं। तो हमने भी अपनी आर्म फोर्सेज को उसके साथ इक्विप्ड रखने के लिए DMR जो कि हमारी डेजिग्नेटेड मार्क्समैन राइफल है, जो कि हमने G3 की प्रोडक्शन लाइन को यूटिलाइज़ करते हुए उसमें ये इंट्रोडक्शन की, जिसके अंदर क्योंकि आपकी रेंज 400 से बियॉन्ड चली जाती है तो आप नेकेड आई से उसको देख नहीं सकते, तो फॉर दैट पर्पस हमने स्कोप यूज़ की है, बैरल लेंथ को इंक्रीज़ किया है ताकि आपकी रेंज बढ़ सके। और अगेन ये सेमी ऑटोमेटिक वेपन है जिसके अंदर बाईपॉड की फैसिलिटी भी दी गई है। और ये नाज़रीन मैं बताता चलूँ कि ये जो बात कर रहे हैं उदैर साहब के सेमी ऑटोमेटिक, इसका अगर हम इस तरफ मैं जाऊँ तो यहाँ पे हाँ, ये इसका फायर सिलेक्टर जो है वो इसका जो फायर सिलेक्टर है, अगर मैं कैमरे को दिखा सकूँ, यहाँ से आप देखिए इसका फायर सिलेक्टर है, आप देख सकते हैं कि ये सेफ्टी और ये यहाँ पे सेमी ऑटोमेटिक, यहाँ पे सिंगल शॉट उसमें किया जाता है क्योंकि बेसिकली ये प्रिसीजन शूटिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो इसमें बस्ट मोड की वो ऑप्शन नहीं दी जाती। अच्छा, ये जो है जो अभी उदैर साहब समझा रहे थे, अब मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ। बेलाग की एक दिलचस्पी POF के एक नए प्रोडक्ट में भी थी। POF रिवील्ड इट इन 2008। इसे POF आई या POF आई का नाम दिया गया। अपने कॉन्सेप्ट में ये इसराइली कॉर्नर शॉट से मुशाबियत रखता है और यूं समझिए कि एक तरह की एडवांस्ड रॉनी किट है। ये किट जिसके आगे मुख्तलिफ कैलिबर्स के पिस्तौल लग सकते हैं। एक LCD कैमरा के जरिए फायरर मुख्तलिफ जावियों से फायर कर सकता है। इसके आगे एक टॉर्च और लेजर पॉइंटर भी लगा हुआ है। तो हमने सोचा कि इस प्रोडक्ट के हवाले से हम उजैर साहब से बात करें और उनसे पूछें कि वो इसको एक्सप्लेन करें। बेसिकली ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप हम अभी ऑफर कर रहे हैं कि आप कोई भी 9mm पिस्टल इस पर माउंट कर सकते हैं। बेसिक इसका एडवांटेज ये है कि आप अपने आप को एक्सपोज किए बगैर अपने एनिमी को टारगेट कर सकते हैं। ये 60 डिग्रीज दोनों साइड पर इसको आप मूव कर सकते हैं। इसमें कैमरा इंस्टॉल्ड है, फिर इसमें टॉर्च लाइट की फैसिलिटी भी है और पॉइंट इंडिकेशन भी इसमें आप देख सकते हैं। प्लस ये है कि आप एक सिंपल नेटवर्क कनेक्शन बना के एक कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश कर सकते हैं, जिससे फ़ायदा ये होगा कि जिस सोल्जर के पास ये होगी उसके कैमरे से नज़र आने वाला तमाम मनाजिर वहाँ पे देखे जा सकेंगे और वहाँ से बेहतर उसको इंस्ट्रक्शंस दी जा सकेंगी। अच्छा, मैं चाह ये रहा हूँ कि लेट सपोज के वहाँ पे जो है ना थ्रेट है, आप यहाँ पे कवर लेके और हम कैमरे से जो है वो दिखाना चाहेंगे, आप कवर लेके हम आपके कैमरे में देखेंगे कि ये इधर से लाएं, इन इसके कैमरे में जो है वो देखें आप, ये देखें नाज़रीन, वो इस वक्त आड़ से कवर लेके वो वहाँ पे दूसरी तरफ जो कुछ है वो आप उसके कैमरे में देख सकते हैं। द पिस्टल इज़ मूविंग टूवर्ड्स द टारगेट और इसमें लेज़र पॉइंटर भी है जिसके ज़रिए जो है वो टारगेट को आप पॉइंट भी कर सकते हैं। और ये एक प्रोडक्ट है जो कि POF ने खुद इंडिजनसली जो है वो बनाया है और ये वॉर ऑन टेरर में जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। POF आई को देखने के बाद ये मुमकिन नहीं था कि उसे इस्तेमाल ना किया जाए, तो हम इंडोर फायरिंग रेंज पे गए ताकि इसकी परफॉर्मेंस। फर्स्ट टाइम शूट किया और आपने देखेंगे कितना अच्छा ग्रुप बनाया है, तो आप इससे हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी और उसकी एक्यूरेसी का अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक बिल्कुल न्यू बिगिनर जो है, जो फर्स्ट टाइम POF आई से शूट कर रहा है, वो कितना अच्छा ग्रुप बना रहा है। दैट वाज अ गुड ग्रुप बाय द वे, इवन इफ आई से सो मायसेल्फ। बेलाग की एक दिलचस्पी POF के एक नए प्रोडक्ट में भी थी। POF रिवील्ड इट इन 2008। इसे POF आई या POF आई का नाम दिया गया। अपने कॉन्सेप्ट में ये इसराइली कॉर्नर शॉट से मुशाबियत रखता है और यूं समझिए कि एक तरह की एडवांस्ड रॉनी किट है। ये किट जिसके आगे मुख्तलिफ कैलिबर्स के पिस्तौल लग सकते हैं। एक LCD कैमरा के जरिए फायरर मुख्तलिफ जावियों से फायर कर सकता है। इसके आगे एक टॉर्च और लेजर पॉइंटर भी लगा हुआ है। तो हमने सोचा कि इस प्रोडक्ट के हवाले से हम उजैर साहब से बात करें और उनसे पूछें
कि वो इसको एक्सप्लेन करें। बेसिकली ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप हम अभी ऑफर कर रहे हैं कि आप कोई भी 9mm पिस्टल इस पर माउंट कर सकते हैं। बेसिक इसका एडवांटेज ये है कि आप अपने आप को एक्सपोज किए बगैर अपने एनिमी को टारगेट कर सकते हैं। ये 60 डिग्रीज दोनों साइड पे इसको आप मूव कर सकते हैं। इसमें कैमरा इंस्टॉल्ड है, फिर इसमें टॉर्च लाइट की फैसिलिटी भी है और पॉइंट इंडिकेशन भी इसमें आप देख सकते हैं। प्लस ये है कि आप एक सिंपल नेटवर्क कनेक्शन बना के एक कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश कर सकते हैं, जिससे फ़ायदा ये होगा कि जिस सोल्जर के पास ये होगी उसके कैमरे से नज़र आने वाला तमाम मनाजिर वहाँ पे देखे जा सकेंगे और वहाँ से बेहतर उसको इंस्ट्रक्शंस दी जा सकेंगी। अच्छा, मैं चाह ये रहा हूँ कि लेट सपोज के वहाँ पे जो है ना थ्रेट है, आप यहाँ पे कवर लेके और हम कैमरे से जो है वो दिखाना चाहेंगे, आप कवर लेके हम आपके कैमरे में देखेंगे कि ये इधर से लाएं, इन इसके कैमरे में जो है वो देखें आप, ये देखें नाज़रीन, वो इस वक्त आड़ से कवर लेके वो वहाँ पे दूसरी तरफ जो कुछ है वो आप उसके कैमरे में देख सकते हैं। द पिस्टल इज़ मूविंग टूवर्ड्स द टारगेट और इसमें लेज़र पॉइंटर भी है जिसके ज़रिए जो है वो टारगेट को आप पॉइंट भी कर सकते हैं। और ये एक प्रोडक्ट है जो कि POF ने खुद इंडिजनसली जो है वो बनाया है और ये वॉर ऑन टेरर में जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। पॉफ आई को देखने के बाद ये मुमकिन नहीं था कि उसे इस्तेमाल ना किया जाए, तो हम इंडोर फायरिंग रेंज पे गए ताकि इसकी परफॉर्मेंस। ने फर्स्ट टाइम शूट किया और आपने देखेंगे कितना अच्छा ग्रुप बनाया है, तो आप इससे हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी और उसकी एक्यूरेसी का अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक बिल्कुल न्यू बिगिनर जो है, जो फर्स्ट टाइम पॉफ आई से शूट कर रहा है, वो कितना अच्छा ग्रुप बना रहा है। दैट वाज अ गुड ग्रुप बाय द वे, इवन इफ आई से सो मायसेल्फ। और इसका जी सर, ये हमने अब जो हमारा ऑपरेशन चल रहा है अज़ब अज़ब उसके नाम से, इसको अज़ब का नाम दिया है। बेसिकली DMR वो वेपन होता है जो कि असॉल्ट राइफल और स्नाइपर राइफल के गैप को फिल करता है। असॉल्ट राइफल मोस्टली मैक्सिमम 400 मीटर्स तक जाती हैं और स्नाइपर राइफल की जो रेंज होती है वो 800 और 1000 मीटर्स तक होती है। तो क्योंकि एक इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक आर्मी के लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो एक स्नाइपर शूटर को ट्रेन करे, उसके लिए रिसोर्सेज बहुत चाहिए होते हैं, तो उस गैप को फिल करने के लिए एक इंटरनेशनल ट्रेंड है जिसमें DMR राइफल्स इंट्रोड्यूस की जाती हैं। तो हमने भी अपनी आर्म फोर्सेज को उसके साथ इक्विप्ड रखने के लिए DMR जो कि हमारी डेजिग्नेटेड मार्क्समैन राइफल है, जो कि हमने G3 की प्रोडक्शन लाइन को यूटिलाइज़ करते हुए उसमें ये इंट्रोडक्शन की, जिसके अंदर क्योंकि आपकी रेंज 400 से बियॉन्ड चली जाती है तो आप नेकेड आई से उसको देख नहीं सकते, तो फॉर दैट पर्पज़ हमने स्कोप यूज़ की है, बैरल लेंथ को इंक्रीज़ किया है ताकि आपकी रेंज बढ़ सके। और अगेन ये सेमी ऑटोमेटिक वेपन है जिसके अंदर बाईपॉड की फैसिलिटी भी दी गई है। और ये नाज़रीन मैं बताता चलूँ कि ये जो बात कर रहे हैं उदैर साहब के सेमी ऑटोमेटिक, इसका अगर हम इस तरफ मैं जाऊँ तो यहाँ पे हाँ, ये इसका फायर सिलेक्टर जो है वो इसका जो फायर सिलेक्टर है, आप हाँ अगर मैं कैमरे को दिखा सकूँ, हाँ यहाँ से आप देखिए इसका फायर सिलेक्टर है, आप देख सकते हैं कि ये सेफ्टी और ये यहाँ पे सेमी ऑटोमेटिक, यहाँ पे सिंगल शॉट उसमें किया जाता है क्योंकि बेसिकली ये प्रिसीजन शूटिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो इसमें बस्ट मोड के वो ऑप्शन नहीं दी जाती। अच्छा, ये जो है जो अभी उदैर साहब समझा रहे थे, अब मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ मॉडर्न फैक्ट्री का, और वो ये लाइट स्नाइपर राइफल LSR अज़्ब। इसमें उदैर साहब ये बताएं कि इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स जो हैं वो POF खुद बनाती और कौन से कंपोनेंट्स इसके जो हैं वो आउटसोर्स। जी बेसिकली जैसे आप समझते हैं कि किसी भी आर्मी के लिए स्नाइपर राइफल एक बड़ा की वेपन होता है और हम इसमें लैक कर रहे थे, हम स्नाइपर राइफल्स नहीं बना रहे थे, तो हमने वेंडर बेस्ड अप्रोच को यूज़ करते हुए हमने जो इसकी कोर एक्सपर्टीज़ है, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी वेपन में जो बैरल है वो उसके लिए हार्ट का रोल प्ले करती है, तो हमने इसकी बैरल यहाँ पे मैन्युफैक्चर की और उसको हमने एक्यूरेसी इंटरनेशनल और सर्जन के डिफरेंट कंपोनेंट्स यूज़ करते हुए, फॉर एग्जांपल बट स्टॉक, एक्शन, पिस्टल ग्रिप, तो उसके साथ उसको मिक्स करने के बाद हमने उस वेपन को डिवेलप किया। इस वेपन की ख़ास बात यह है कि जो वेपन आर्मी को पहले 30 से 35 लाख का पड़ता था, अब PF की इस एफर्ट की वजह से हमें वो 2 से 2.5 लाख के दरमियान हम वो ऑफर कर सकते हैं। अच्छा, इसमें बुनियादी तौर पे एक और जो मुझे बात समझ आ रही है इंटरेस्टिंग, वो ये है कि बैरल जो है वो जब 1500-2000 राउंड फायर कर लेगी तो
तो बाकी कंपोनेंट्स तो अपनी जगह पे बिल्कुल परफेक्टली वो हैं, तो ये राइफल जो है इसकी बैरल जो है आप दोबारा बना के लगा देंगे। किसी भी वेपन के अंदर जो बैरल, वेपन की जो लाइफ होती है वो बैरल लाइफ के साथ डायरेक्टली लिंक्ड होती है, तो हमने इसकी बैरल खुद मैन्युफैक्चर किए और एक्यूरेसी के अंदर, स्नाइपर की एक्यूरेसी के अंदर बैरल सबसे की रोल प्ले करती है, तो इसकी बैरल के पैरामीटर्स को हमने कंट्रोल किया है और 1000 मीटर्स के ऊपर इसकी रेंज है और ये इस वक्त नेशनल रिकॉर्ड होल्डर है और इसने 199 आउट ऑफ 200 स्कोर किया, तो ये एक पाकिस्तान के लिए और पीएफ के लिए एक प्राइड की बात है। ये आप देख रहे हैं इसका बट स्टॉक जो है वो शोल्डर की तरफ से भी एडजस्टेबल है और चीक के लिए भी एडजस्टेबल है, और स्नाइपर्स जो हैं उनको जो है लाइंग पोजीशन से कई दफ़ा बहुत बहुत देर जो है वो बैठ के इंतज़ार करना पड़ता है टारगेट का, और हर स्नाइपर का चूँकि अपनी एर्गोनॉमिक्स होती हैं, अपनी जो है वो शोल्डर और आर्म लेंथ्स होती हैं, उसके हिसाब से जो है वो आप इसको बट स्टॉक को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। और स्कोप जो है वो बहुत अहम इसलिए है क्योंकि स्कोप जिस डिस्टेंस के ऊपर 800 से 1000 मीटर के डिस्टेंसेस के ऊपर जो है वो नेकेड आई के साथ आप टारगेट को नहीं देख सकते, तो इसलिए आपको स्कोप की ज़रूरत होती है। और ये आपको इसका बोल्ट जो है वो नज़र आ रहा है और ये ये नॉन ऑटोमेटिक वेपन है, विच एसेंशली मीन्स कि हर दफ़ा जो है वो आप बोल्ट पीछे ला के बोल्ट ग्रुप को और उसको चैम्बर करेंगे राउंड को, और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है कि ऑटोमेटिक वेपन्स में थ्रॉबिंग होती है और जिस किस्म की प्रिसीजन जो है लॉन्ग डिस्टेंसेस के ऊपर चाहिए होती है स्नाइपर को, वो आपको ऑटोमेटिक वेपन से नहीं मिल सकती, इसलिए स्नाइपर राइफल्स आर जनरली नॉन ऑटोमेटिक राइफल्स।